मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। क्या हो गया भाई, इतना मूवी चढ़ा रखा है भाई। दो दिन हो गए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैमरा परचेज करूं 2023 में। अबे यार बस इतनी सी प्रॉब्लम, तूने सचिन फोटोग्राफी 9 को सब्सक्राइब नहीं कर रखा क्या? नहीं भाई। तो भाई उनकी लेटेस्ट वीडियो देखना। दिखा। तो आज फिर हम आ गए फिर आ गए फ्यूचर फॉरवर्ड में लाजपत नगर, और आपने पूछा था कि भाई अंडर 1 लाख कैमरे हमें बताओ। तो हमारे पास सारे कैमरे अंडर 1 लाख के जो भी बेस्ट हैं हमारे अलग अलग ब्रांड्स में। सो हमारे पास है कैनन का R10, नाइकोन का हमारे पास Z50, सोनी का अल्फा 6400, और फूजी में हमारे पास दो हैं, XS10 और XT30 Mark II। एंड द लास्ट वन इज जो मैं देखता हूँ बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे नाइकॉन कैनन हम सबको पता है, लेकिन लूमिक्स का हमारे पास G9 है। अभी हम इसकी बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा कैमरा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैनन R10। तो अगर हम कैनन R10 की बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं कैनन इज़ वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, व्लॉगर्स सबके लिए। तो अगर हम R10 की बात करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं लाइट वेटेड कैमरा है, छोटा सा कैमरा है, क्रॉप सेंसर कैमरा है, 24 मेगापिक्सल का सेंसर है। बट इसमें कैनन ने एक बहुत अच्छी चीज़ इनबिल्ट की है इस प्राइस रेंज में, जो है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस। डुअल पिक्सल ऑटो फोटो फोकस वीडियोग्राफर्स एंड फोटोग्राफर्स दोनों के लिए काम करता है, जिसमें ये फेस डिटेक्शन और कंट्रास्ट डिटेक्शन दोनों चीज़ें एक साथ करता है, जिससे हमें छोटे टाइम में बहुत शार्प ऑटो फोकस मिल जाता है। ऑटो फोकस सिस्टम इसमें बहुत क्विक कर दिया गया है, जिसमें आपको ऑटो फोकस में आई ऑटो फोकस मिलता था, इसमें आपको आई ऑटो फोकस ह्यूमन एनिमल बर्ड्स मिलता है, साथ ही साथ आपको व्हीकल्स का ऑटो फोकस भी मिलता है। अगर आप सेमी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप बिगिनर अपने फर्स्ट कैमरे से सेकेंड में एंटर करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी हॉबी भी कवर कर सकते हैं एज वेल एज प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी एंटर कर सकते हैं। प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 1,10,000-1,12,000 में अपनी जो इसकी किट लेंस है 18-150 में उसके साथ मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइकॉन की। नाइकॉन में हमारे पास है Z50 जो है, ठीक है, और मैं हाथ में मतलब जैसे लेके देख रहा हूँ काफ़ी लाइट वेट लग रहा है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा सूरज भाई इसके बारे में बताइए। Z50, तो अगर हम नाइकॉन की बात करते हैं, नाइकॉन एक वो ब्रांड है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, स्ट्रीट फोटोग्राफर्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वाइल्ड लाइफ जैसी चीज़ों में या नेचर फोटोग्राफी में जो आउटपुट हमें निकॉन से मिल पाता है, वो प्रोबेबली ही किसी और कैमरे में हमें मिल पाता है। ये कैमरा है जो सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हर तरह के यूज़र्स के लिए काम आता है। हम इसकी स्क्रीन देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन आर्टिकुलेटेड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि नाइकॉन कहता है कि हमें ओपन एरियाज़ में आर्टिकुलेट करके हम यूज़ शायद दिक्कत हो, तो वो इस तरह से रखते हैं जो मोस्टली वाइल्ड लाइफ यूज़र्स और स्ट्रीट यूज़र्स यूज़ करते हैं, ताकि वो किसी भी पोजीशन में बैठ के स्क्रीन का इस्तेमाल कर पाए या लो एंगल इनको यूज़ कर पाए, ठीक है। अब इसकी ख़ास बात ये है, इसका व्यू फाइंडर, उसके जो डॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत क्विक एक्टिव व्यू फाइंडर है इसका, ऑटो फोकस पॉइंट्स अच्छे हैं, क्रॉप सेंसर कैमरा है, मिररलेस है, जो इसके लेंसेज आते हैं वो भी बड़े शार्प और बहुत ज़्यादा आपको इसके लेंसेज मिल जाते हैं। जैसा हम कह रहे थे कि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा है, उसका रीज़न ये क्रॉप सेंसर कैमरा है। अगर आप इसमें लेंसेज यूज़ करते हैं निकॉन के 100-400, 70-300 या 200-500 जैसे लेंसेज, तो एक टेक्निकल फैक्टर, क्रॉप फैक्टर लगता है, जिससे आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और वाइल्ड लाइफ में आपको एक बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाता है इसमें। और साथ ही साथ क्योंकि हमारी जनरेशन बढ़ रही है, तो जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा कैमरा है, क्योंकि लाइट वेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनी की। सोनी भी काफ़ी अच्छा कैमरा है, और पर्सनली मैं बोलूँ कि वीडियो के लिए जो भी हम बात करते हैं तो हम सोनी का ही नाम लेते हैं, ठीक है। तो ये सोनी का अल्फा 6400 है, 4K इसमें पहले ही ऊपर देखो पहले लिखा हुआ है, क्योंकि वो इनकी स्पेसिफिकेशन हमेशा रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इसमें और क्या हमें मिल जाता है। A6400 जैसा कि सचिन जी ने शुरू में बताया, वन ऑफ द लव्ड कैमराज है और बहुत अच्छा कैमरा है। नाउ इसमें खास बात यह है, इसमें हमें 4K मिलता है 30 फ्रेम्स पे एट क्रॉप सेंसर, और इसमें जो हमें बिट रेट मिलती है वो 8 बिट है। जो वीडियोग्राफी डीपली करते हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो R10 था उसमें हमें 10 बिट्स मिलती है, 6400 में हमें 8 बिट मिलती है। और एक ख़ास बात इसकी है, इसका व्यू फाइंडर जो अभी के जितने कैमरे आते हैं उससे बहुत अलग है। आप साइड में आपको व्यू फाइंडर मिलता है, इट्स अ वेरी क्विक वे टू यूज़, स्ट्रीट फोटोग्राफर बहुत पसंद करते हैं।
सो लेट्स टॉक अबाउट फूजी फिल्म। अगर हम बात करें कैनन, नाइकॉन, सोनी, ठीक है यार ये बहुत ज़्यादा फेमस है, लिख करो मैं खुद XC30 जो है करीब 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और आज हमारे पास 2 कैमरे जो अंडर 1 लाख है, एक तो XS10 है और दूसरा XT30 Mark II है। सो लेट्स टॉक अबाउट XS10, हमारे को किस तरीके का है, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है। XS10 की बात करते हैं, XS10 एक ऐसा कैमरा है जो हर यूज़र यूज़ कर सकता है, वेदर यू आप सेमी प्रोफेशनली, आपको वेडिंग करनी है, आपको स्ट्रीट करनी है, आपको वाइल्ड लाइफ करनी है, आपको लाइट ट्रेल्स करना है, आप हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। 4K 30 आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें आपको 4K 30 में 10 बिट्स मिलते हैं, सो वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ आपको इसमें जो शटर्स मिलते हैं कंटिन्यूसली, वो मिलते हैं आपको मैकेनिकल पे 20 और इलेक्ट्रॉनिक पे 30, सो आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं तो भी बहुत काम में आएगा, आप स्ट्रीट कर रहे हैं तो भी बहुत काम में आएगा। थोड़ा सा बजट कम हो तो आप XT30 Mark II ले सकते हैं, वरना आप XS10 के साथ जा सकते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं फूजी फिल्म काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं, ठीक है। एक जो चीज़ मुझे सबसे इसमें अच्छी लगती है, इसकी अपर्चर रिंग। अगर आप इसकी अपर्चर रिंग से कंट्रोल कर सकते हो अपना एक्सपोजर, अदरवाइज़ क्या होता है, आप DSLR या कोई और यूज़ कर रहे हो तो आपको बार बार चेंज करना पड़ता है सेटिंग्स में जाके। आप अपर्चर रिंग से खेल के, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, स्ट्रीट में जब आप शूट करते हो अलग अलग कंडीशन है, अलग लाइट कंडीशन है, तो यहाँ से आप कंट्रोल करके सब कुछ एकदम फटाफट से अपना ना मतलब अपना सेट कर सकते हो, पहले शटर और ISO, और उसके हिसाब से यहाँ पे से आप खेल सकते हो अपर्चरिंग से सेकंड नो में, ठीक है। वो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। अगर आपको किट लेंस के अंदर 2.8 मिल रहा है, इसका मतलब आप लो लाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छा प्ले कर सकते हो। और जो फूजी जिसके लिए फेमस है, विच इज़ कलर, अगर आपको कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप जा सकते हो, आप आँख बंद करके जाओ। इसका जो JPEG है वो इतना स्ट्रांग है कि इसकी रॉ आप देखोगे, आपको रॉ में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका JPEG भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगा, क्योंकि मैं खुद यूज़र हूँ तो मैं इसलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूमिक्स G9, जो कि मुझे नहीं लगता कि काफ़ी यूज़र्स जो हैं इस ब्रांड को भी टच करते हैं, बट ये मेरे को ऐसा लगता है कि अब मुझे, जैसे सुरेश भाई ने बताया, वन ऑफ द गुड ब्रांड है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सिनेमाटोग्राफी तो आप इस पे जा सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इसके अंदर क्या क्या हमें स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। जैसा कि हम शुरू से कह रहे थे, कैनन, निकॉन, सोनी हम सब जानते हैं, बट इवेंचुअली जो रिजल्ट हमें फ्यूजी जैसे कैमरों से और पैनासोनिक की सीरीज़ में मिल पाता है वो बहुत एक्सेप्शनल है। अगर हम स्पेशली इस कैमरे की बात करते हैं जो हमारे आगे है, वो है पैनासोनिक का G9 हमें 4K 60 फ्रेम देता है, जो इन किसी भी कैमरों में हमें नहीं मिल पाता है। साथ ही G9 में हमें कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, बैटरी पावर ज़्यादा है, इवन 4K फोटोग्राफी भी हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो एक और अच्छी बात है वो इसका लेंस, इसमें हमें लाइका का लेंस मिलता है, लाइका की DG सीरीज हमें इसमें मिलती है, और अपर्चर इसमें भी हमें f2.8 से f4 तक मिलता है, जैसा हमें फ्यूजी में मिल रहा था। सो अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं या सिनेमेटोग्राफी में एंटर करना चाहते हैं, या आप मिनिमम लेवल पे कर रहे हैं और आपको अब सेमी प्रोफेशनली एंटर करना है, सो मेरे हिसाब से अगर आप स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा टू गो फॉर। सो थैंक यू सो मच सूरज भाई, आपने इतना डिटेल में और इतने अच्छी तरीके से सबका स्पेसिफिकेशन बताया, हमें समझाया। बेस्ट सेमी प्रोफेशनल कैमरा है वो हमारे सामने रखे और हमने सारी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी है, ठीक है। जो कैमरे हमने ट्राई करे हैं यहाँ पे, हमने फ्यूचर फॉरवर्ड में करे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यहाँ पे आके हैंड्स ऑन कर सकते हैं, और अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं futureforward.in, और बाकी जो डिटेल है सूरज भाई बताएंगे, और वो सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सूरज भाई बताइए, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड से? हैंड्स ऑन के साथ ही साथ फ्यूचर फॉरवर्ड ने एक अपनी नई सेगमेंट स्टार्ट की है जो ट्रायन बाई के नाम से चल रही है। ट्रायन बाई के विदिन ट्रायन बाई आपको ये मिलता है कि आप कैमरों के बीच में कन्फ्यूज्ड हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा कैमरा लेना है, देन हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पे आप फ्री में एक दिन के लिए कोई भी कैमरा रेंट पे लेके जा सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं, एंड देन फिर अपना डिसीजन बना सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छा कैमरा कौन सा लगा इस, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई, अभी तक क्या कर रहे हो, डू सब्सक्राइब। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा।